हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, हम क्लास टेंथ का मैथ कर रहे हैं। हमने इसके 5 चैप्टर्स कर लिए हैं। अभी हम इसके आगे के चैप्टर्स करने से पहले हम एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है, तो हम चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी से रिमूव हो गया है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और मैंने जो पीछे के 5 चैप्टर्स करवाए हैं वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, मतलब जो हमारा पुराना सिलेबस था ना उसके अकॉर्डिंग करवाए हैं, कंप्लीट चैप्टर करवाए हैं। तो अभी मैं आपको उन पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं ना उनको भी न्यू सिलेबस में के बारे में बताऊँगी, जो भी टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उनके बारे में बताऊँगी। तो आप वो वाले टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो अभी आगे का हम करेंगे ना, तो उसमें हम जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर न्यू सिलेबस जो भी आया ना उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को रिमूव टॉपिक्स भी करने हैं, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में रिमूव हो गए हैं वो भी करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और मैं आपको वो करवा दूंगी। अदरवाइज हम जो आगे के चैप्टर्स करेंगे वो न्यू अकॉर्डिंग न्यू जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में से रिमूव हुए हैं और अभी कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज देखते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में ये वाले टॉपिक्स है ना ये सारे हमारे सिलेबस में हैं। जो टॉपिक डिलीट हुआ है, जो भी हमारा सिलेबस में से रिमूव हुआ, वो टॉपिक कौन सा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना ये हमारे चैप्टर में जो था अभी ये हमारे न्यू सिलेबस में नहीं आएगा, तो हमें इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बेसिस जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के, उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो सारे आएंगे, इसमें सिर्फ ये वाला टॉपिक रिमूव हुआ है, ठीक है। अभी सेकेंड चैप्टर कौन सा है, पॉलिनोमियल्स। इसमें से कौन सा हुआ, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना ये रिमूव हुआ है। इसके बेसिस कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, मींस जो एक्सरसाइज 2.3 है वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2 वो कंप्लीट आएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाला जो टॉपिक्स है इसके बेस हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और जो बाकी का है वो कंप्लीट आएगा। अभी चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या, इसमें सारे टॉपिक्स करने हैं, सिर्फ एक टॉपिक, एक जो मेथड है वो नहीं करना है। वो कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमें नहीं करना है। और ये वाला मेथड हमारी कौन सी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें। तो आप ये वाला मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये छोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज 3.5 को मत छोड़ना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में वो इन मेथड्स का यूज करके भी पूछ सकता है। तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था ना उसको छोड़ेंगे और जो बाकी का जितना भी है वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। अभी है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करना है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सारा करना है, एक भी टॉपिक्स इसमें से नहीं छोड़ना है। अभी है चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, ये वाला एक टॉपिक है जो एक्सरसाइज 5.3 का जो बेसिक दे रखा ना वहाँ पे है, उसमें कुछ ये जो सम के फॉर्मूला निकालने का तरीका कैसे निकलता वो बता रखा है, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है, इसको आप छोड़ देना। और इसके बेस कौन से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 20, ये वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में से अभी रिमूव हो गए हैं, मतलब ये वाले टॉपिक अभी, ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। और बाकी 5.1, 5.2, 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 15 से पहले का है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये 5th चैप्टर तक ये हो गया। तो ये 5 चैप्टर, ठीक है, इनमें से जो जो रिमूव हुआ है एक बार आप देख लेना, और मैं इसकी कंप्लीट पूरे सिलेबस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
अभी हम इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो अभी मैं आपको यूनिट वाइज करवा रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि पहले 7 चैप्टर आ गया, 6 ऐसे, तो अभी मैं यूनिट वाइज करवा रही हूँ। पीछे तक यूनिट 2 तक था, अभी यूनिट 3। यूनिट 3 में कौन सा है? चैप्टर नंबर 7, लाइंस। ठीक है, इसमें से कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है ना, उसका बेसिक है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नहीं करना है। और इसके करस्पोंडिंग कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 7.3। जो एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है, और बाकी का सारा करना है। अभी चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या करना है? जो थ्योरम है ना 6.6 और 6.9, 6.6 थ्योरम कौन सी है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो वाली थ्योरम नहीं करनी है। और जो एक 6.9 की थ्योरम है, तो वो भी नहीं करनी है। सिर्फ दो थ्योरम्स नहीं करनी है और कंप्लीट चैप्टर करना है। ठीक है, वैसे ये थ्योरम्स को आप पढ़ के देख लेना, लेकिन इनकी जो प्रूविंग है ना, वो एग्जाम में हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो थ्योरम 6.6 और 6.9 नहीं करनी है। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। सर्कल्स में ये जो चैप्टर है, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, चैप्टर जो 10 है ना, सर्कल, ये वाला चैप्टर, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ये कंप्लीट करना है। अभी चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये वाला चैप्टर है, इसमें से जो कंस्ट्रक्शन 11.2 है ना, जैसे पहले कंस्ट्रक्शन इसका बेसिक में दे रखा है 11.1 और 11.2, 11.1 वाली कंस्ट्रक्शंस करनी है। जो 11.2 वाली कंस्ट्रक्शंस है ना, वो नहीं करनी। और उसके बेस पे हमारे कौन से क्वेश्चन है? जो एक्सरसाइज 11.1 है ना, उसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 7 तक, वो वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है, ये सारा सिलेबस में है। ठीक, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंसेज, ये वाले टॉपिक्स हैं। तो इनमें से कौन सा, ये वाले सारा हमारे सिलेबस में है, और ये जो सिलेबस में नहीं है, कौन सा, एक तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0° to 90°, ये एक देखो 30° का पूछ लेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो करना है, 45° का करना, लेकिन 0° to 90° वाला ना, वो नहीं करना। देखो मैं आपको एक बार बुक्स में दिखाती हूँ, ये NCERT की बुक्स है, इसमें जो 183 पेज है ना, इसके ऊपर देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0° and 90°, ये वाला टॉपिक नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक क्या नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, वो नहीं करनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला टॉपिक नहीं करना, एक ये वाला टॉपिक नहीं करना है। और एक्सरसाइज जो 8.4, एक्सरसाइज 8.3 तो कंप्लीट नहीं करनी है, और जो एक्सरसाइज 8.4 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। ठीक है, आप साथ के साथ वैसे निशान भी लगा सकते हैं अपनी बुक्स में, किसी के कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0° to 90° वाला नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं करना है, एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट नहीं करनी है, और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, और बाकी सारा करना है। अभी चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में क्या करना है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, वो कंप्लीट नहीं करनी है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 13.4 है ना, जो 13th चैप्टर है, उसमें कंप्लीट करना है, सिर्फ जो एक्सरसाइज 13.4 है ना, वो नहीं करनी है। ठीक है, अभी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 7, ये जो हमारी लास्ट यूनिट है 6, ठीक है, सॉरी 7, इस यूनिट में कौन सा नहीं करना है? स्टैटिक्स, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो टॉपिक्स नहीं करनी है। इनके बेसिस जो ये वाला ना स्टेप डेविएशन मेथड, मीन मेडियन मोड का पूछ ले, कि स्टेप डेविएशन मेथड से पहले पूछता था, अभी नहीं आएगा वो, तो मतलब स्टेप डेविएशन मेथड को हम छोड़ सकते हैं। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 14.4, तो हमें एक्सरसाइज 14.4 नहीं करनी है।
और जो चैप्टर 15 है ना प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है अभी हमारा। एक तो एक एक्सरसाइज एक चैप्टर बचता है, कौन सा, क्यों, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो ये यहाँ तक हो गया, ये हमारा न्यू सिलेबस है। तो अभी आप एक बार इसको फिर से देख लेना, और मैं इसकी जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ना, उन टॉपिक्स की एक PDF बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।